लगभग सभी पुरुषों ने एक चीज जरूर ध्यान दी होगी, जैसे कि जब वो सुबह सो के उठते हैं कई बार, या रात में नींद टूट जाती है, तो उन्हें जो अपना अंग है उसमें कड़ापन या इरेक्शन फील होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या ये नॉर्मल है या कोई एबनॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये विचार रहता है कि जब उस समय मैं उस तरीके की कोई विचार नहीं है या कुछ सोच नहीं रहा हूँ तो फिर ऐसा क्यों होता है। तो जो लोग नए हैं, जो युवा हैं, उन लोगों के लिए जरूरी है जानना कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर ऐसा होता है तो उसको लेके किसी भी तरह से शर्माने या घबराने या उदास होने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो ये पॉइंट हो गया जो कि युवा है, जो 17-18 साल, 15-16 साल के लोग हैं उनके लिए है। दूसरा महत्व तो इसका बहुत सारी चीजों में और हो जाता है, जैसे बहुत सारे लोग जिनका पहले सेक्सुअल फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, बाद में किसी कारण से उनको दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों में एक बहुत ही ये क्लियर पॉइंट होता है कि क्या मॉर्निंग इरेक्शन, जैसा कि इसको टेक्निकली मतलब साइंस के शब्दों में कहते हैं, प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास इस समस्या के लिए जा रहे हैं तो ये बहुत जरूर उसके पहले ये चेक कर लें कि क्या सुबह उठने पे या रात में नींद टूटने पे जो पहले तनाव रहता था वो है या नहीं है। अगर है तो क्या रोज वो उतना ही रहता है, या पहले से कम हुआ है, या बढ़ा है, या वेरी करता रहता है, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से रहता है। जरूरी नहीं है कि रोज आप इसको ऑब्जर्व कर पाए, रोज होना ही चाहिए, या रोज आप इस पे ध्यान दें तो आपका ध्यान जाए ही, क्योंकि नींद किसी भी स्टेज में, नींद की किसी भी स्टेज में वो टूट सकती है, कोई आपको जगा सकता है। तो जरूरी नहीं कि हर रोज या हर समय ही आपको ये इरेक्शन मिले, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको पहले आपका फंक्शन सही था, पहले आप सही से कर पाते थे और अभी कोई दिक्कत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपसे वहां पे कोई भी डॉक्टर जरूर पूछेगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो खुद या आपके पार्टनर कोई बोल करके इस ऑब्जर्वेशन को जरूर ध्यान रखें, और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाए तो ये जानकारी पहले से लेके जाए। दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले उनका फंक्शन बिल्कुल सही रहता था, सेटिस्फाई रहते थे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी उम्र बढ़ती है या कई बार उनको दिक्कत आने लगती है इरेक्शन में, तो उनको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कुछ चीजों का। जैसे वजन, पहले सबसे पहले आप अपने वजन को ध्यान दें, ऐसा तो नहीं कि आपका वजन बहुत बढ़ गया है। दूसरा, ऐसा तो नहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो गई है, आप दिन भर बैठ के ही काम करते हैं या पड़े हुए कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। नशा बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, जैसे सिगरेट बहुत ज्यादा पी रहे हो या शराब पी रहे हो या किसी भी तरह का नशा कर रहे हो, तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है। और जो अपनी डाइट है, जो अपना वजन है, उसको कंट्रोल में रखना है। तो मॉर्निंग इरेक्शन को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, जैसे जो नए उम्र के बच्चे हैं वो घबरा जाते हैं, और जो लोग उम्र दराज भी हैं वो भी कई बार घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज को नजर रखें, उससे डॉक्टर को बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है आपके कारणों के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।